200 स्पीडो मैच कवर करने वाले 4 ट्रॉफी का जो कि एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा, जो भी टीम जीतेगी सीधा फाइनल में कैंटबरी के साथ भिड़ेगी सीधा फाइनल मैच में। और ये मैच भी दोनों टीम्स के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को ध्यान से देखने, वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपको डेफिनेटली इस वीडियो में बहुत मजा आएगा और बहुत कुछ सीख के जाओगे। सबसे पहला काम कीजिए, मैच स्टार्ट उससे 5 घंटे ही बच रखे और 3 बजे मैच स्टार्ट हो जाएगा। शायद ही इस टाइम पे बहुत कम ही लोग एक्टिव रहेंगे, लेकिन मेरी टेंशन मत लो, मैं इस समय बिल्कुल एक्टिव रहूंगा क्योंकि मुझे इस मैच का वीडियो प्रीव्यू देना है। तो सबसे पहला काम कीजिए, आप लोग हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप उस पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का फायदा ये है कि आपको सबसे पहले फाइनल टीम मिलता है और किसी से आप कंपेयर कर सकते हो सबसे तगड़ी और सबसे अच्छी टीम फ्री में मिलता है। तो टेलीग्राम चैनल उसे ज्वाइन कर लीजिए जो कि सालों से एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आज से नहीं 5-6 साल से एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है टेलीग्राम चैनल, तो जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। जहाँ पे 37,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर रखे, आप भी ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे फाइनल टीम स्केड्यूल वगैरह आपको टेलीग्राम पे बता देता हूँ। मैं तो प्रेफर करूँगा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से ज्वाइन कर लो, आपके लिए ज़्यादा फायदे में रहोगे क्योंकि फाइनल टीम और विनिंग टीम आपको यहीं पे मिलता है। देखो लास्ट मैच भी अगर खेले तो एक तरफा ही विन क्यों, देखो 37,000 से ज़्यादा लोग है, आप भी जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बात करते हैं, मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर अप करता हूँ, कोई भी फालतू का टाइम पास नहीं। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, अगर आपको इस मैच के स्टैट्स वगैरह चाहिए कि हाँ यार बार बार यूट्यूब देखना पड़ता है, बार बार ओपन करना पड़ता है, तो आप एक सिंपल सा काम कीजिए, आप हमारे वेबसाइट पर जो कि एकदम फ्री, वहाँ पर आपको कोई ऐड नहीं देखने को मिलेगा, यूट्यूब पर भी आपको कोई ऐड नहीं देखने को मिलता है, वीडियो में दिखता है लेकिन वीडियो के अंदर कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं होता है। आप सिंपली जाइएगा गूगल पे या फिर किसी ब्राउजर पे जाइएगा, सर्च कीजिएगा fantasy11team.in, सर्च कीजिएगा ना, स्पेलिंग एक बार सही से देखना तभी साइट ओपन होगा, fantasy11team.in सही से लिखा होना चाहिए। जैसे आप सर्च कीजिएगा आपको चैनल मतलब कि आपको सीधा सीधा वेबसाइट पर आ जाओगे, फिर उसके 3 डॉट पर क्लिक करके, यहाँ जो 3 डॉट है इस पर अभी वेबसाइट पर मैं काम कर ही रहा हूँ, ठीक है, टीम मेंबर्स काम कर रहे हैं, इस पर जैसे क्लिक करोगे 3 डॉट पे लेटेस्ट न्यूज़ पे जाइएगा, यहाँ जो लेटेस्ट न्यूज़ है इस पर क्लिक करिएगा, आपको देखने को मिल जाएगा जो भी नेक्स्ट मैचेस है वो सभी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फिर उस पर क्लिक करोगे, फ्री में आपको कोई ऐड वगैरह नहीं देखना पड़ेगा और मैच इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। मैं इसलिए यहाँ पे कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बस आपको मतलब कि यहाँ पे सही से व्यू नहीं मिल रहा ना, यहाँ पे ज़्यादा बड़ा मैं लिख नहीं रखा हूँ, उन लोगों के लिए सही है जो लोग वीडियो नहीं देखते, उसके उनके लिए बहुत परफेक्ट है साइट। हालांकि वीडियो देखना इंपॉर्टेंट रहता है लेकिन मुझे ना एक क्लियर व्यू दिखाना है यूट्यूब वीडियो में, इसलिए मैं इस चीज़ को यहाँ पे लिख रखा हूँ। तो नोट डाउन मैंने कर रखा है, मैच इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, ये मैच एलिमिनेटर मैच है, जो भी टीम जीतेगी सीधा कैंटबरी के साथ भिड़ेगी फाइनल में। तो आपको शुरुआत में बता दिया था 3 बजे अपने टाइम के हिसाब से मैच स्टार्ट है, 2 दिन में मैच खेला जाएगा। वेदर रिपोर्ट क्लियर रहेगा, एकदम क्लियर एकदम वेदर है, कोई भी आपको बारिश का चांस वगैरह नहीं देखने को मिलेगा। अब दोपहर का समय रहेगा वहाँ पे, जैसे उल्टा समय है, जैसे जैसे अपने यहाँ रात हुआ ना, जैसे जैसे अपने यहाँ रात होगा वैसे न्यूजीलैंड में सुबह होगा, जैसे जैसे अपने यहाँ सुबह होगा वहाँ पे रात होगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। उसके अलावा पिच बैटिंग के लिए काफ़ी सही विकेट है, बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, ऑब्वियस बात है न्यूजीलैंड की जो विकेट्स रहते हैं वो ज़्यादातर बैटिंग फ्रेंडली रहते हैं, ये आप भी जानते हो। अगर आप एवरेज भी निकालोगे कि हाँ एवरेजली कितने स्कोर बन सकता है, तो 230 रन तो एवरेज ही आपको दिखा रहा है, यानी कि पिच बैटिंग को सपोर्ट कर रहा है, फेवर कर रहा है बैटिंग को, बैटर्स के लिए काफ़ी सही विकेट है। और उसके अलावा यही नहीं, चेस भी इस विकेट पर हो जाते हैं, लेकिन दोनों साइड से बैटिंग फ्रेंडली है, जो टीम पहले बैटिंग कर रही है वो भी 230 मार रही है और ये रन भी चेस हो जा रहे हैं, यानी कि पीछे दोनों साइड से बैटिंग फ्रेंडली है। उसके अलावा सबसे पहले बात करते हैं ओटाइगो बोर्ड्स के, जो कि प्रोबेबल लाइनअप्स देखोगे तो ओपन करे टीम दस एकर में बैटिंग ऑर्डर क्लियर कर दूंगा, लेकिन अभी के लिए हम इस चीज़ को मान के चलते हैं। जेकब कमिंग जो कि टीम 24 बात ओपन करे, लियो जोनस के साथ ओपन कर सकते, टेन फॉक्स प्रोप जो कि वर्ना बैटिंग करे, मैक्स जो विकेट कीपिंग प्लस फोरना बैटिंग करेंगे, डेल फिलिप्स भी अवेलेबल है, ल्यूक जॉनसन भी अवेलेबल है, थ्रोन पार्क्स अवेलेबल है, बेन लॉक्सवर्थ अवेलेबल है, एंड्रे जो है अवेलेबल है, जोकर डफी अवेलेबल है, मैथ्यू बेकोन अवेलेबल है, तो प्रोबेबल लाइनअप्स तो काफ़ी परफेक्ट है, काफ़ी ज़्यादा मतलब सही है। उसके अलावा ऑकलैंड की बात करें, इनका बैटिंग ऑर्डर वही होगा, जेकब कमिंग ओपन करेंगे ल्यूक जॉनसन के साथ जो कि बॉलिंग भी करेंगे 10 ओवर, डेन फॉक्स को फॉरना बैटिंग करेंगे 4-5 ओवर बॉलिंग करेंगे, हालांकि बॉलिंग जबरदस्त करता है, बैटिंग तो अच्छा करता है लेकिन बॉलिंग शानदार करता है डेन फॉक्स को। ल्यूक तो ऐसे भी इनफॉर्म प्लेयर है, हर कोई जानते हो, लेकिन डेन फॉक्स को बड़ा प्लेयर है। ऑकलैंड की बात करें तो ओपन करेंगे टीम से फिन एलन ओपन करेंगे, जॉक मैकेंजी के साथ ओपन करेंगे, वन डाउन टीम दस देखो मार्टिन गुप्टी लाएंगे, लेकिन मेरे हिसाब से मार्टिन गुप्टिल फिनाल ओपन करेंगे। आपको ही पता है एक टाइम पे मार्टिन गुप्टिल दुनिया का सबसे बड़ा पावर हिटर कहा जाता था, अभी कुछ सालों से फॉर्म डाउन है, 3-4 सालों से ऑलमोस्ट आप मान के चलिए, एक टाइम पे याद होगा कॉलिन मुंड्रो और मार्टिन गुप्टिल की जोड़ी चला करता था, जिसे मार्टिन गुप्टिल आते ही हाफ सेंचुरी मार देता था और कॉलिन मुंड्रो टीम दस से टिक के खेलता था, ये चीज़ वो भी बहुत पुराने दिन हो गए हैं।
और रोबर्टो डोरेन फोर ना बैटिंग करेंगे, टीम कैप्टनसी करेंगे, पिच बैटिंग फ्रेंडली है, मे बी ये स्कोर कर सकते हो क्योंकि इन फॉर्म बल्लेबाज है। कैम फ्लेचर अवेलेबल है, फिलिप डोनेल अवेलेबल, ल्यूक जोरसन अवेलेबल है, मार्क चैपमैन अवेलेबल है जो कि मेरे से वन ना बैटिंग कर सकते हैं, एक बेहतरीन ऑप्शन है। बेल लिस्टर जो कि टीम से न्यू से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पावर प्ले में, मे बी ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं। ल्यूस लिटिल अवेलेबल है, धेन फ्रेंस अवेलेबल, तो उसका लाइनअप से मुझे बहुत फेवरेट लग रहा है। ऑकलैंड के जितने चांस मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन टीम मैनेजमेंट का कहना है कोटेगो विल्स वोल्ट्स के जितने ज़्यादा चांसेस है, लेकिन ऑकलैंड मुझे ज़्यादा फेवरेट नहीं है क्योंकि इनके पास मार्टिन गुप्टेल है, सीन सोलिया भी खेल सकता है, अगर अवेलेबल हुआ तो सीन सोलिया भी खेल सकता है। वैसे तो ऑकलैंड बहुत फेवरेट टीम है, लेकिन स्टार्ट्स कहता है ओटैगो विन करेगी, लेकिन मेरे साइड से थोड़ा सा ज़्यादा ही ऑकलैंड मेरे साइड से फेवर है। उसके अलावा उसके ल्यूक जोरसन इंपॉर्टेंट है, जोकर डॉफी इंपॉर्टेंट है, वाटर डोनेल फिनाल, ये स्मॉली पिक्स के लिए मस्ट पिक है। ग्रैली की टीम में आप जोकब कमिंग को, मैक्स च्यू को, मार्टिन गुप्टेल को, लुके फर्गसन को, ये ग्रैली की टीम में आप इन सबको ट्राई कीजिएगा। बाकी जो अपडेट्स होंगे मैं आपको टेलीग्राम पे जरूर शेयर करूंगा, 15 मिनट पहले फाइनल टीम आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 37,000 से ज़्यादा लोग ज्वाइन कर गए और सालों से फ्री है, एंड बात करते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस से। बाकी वेबसाइट पर भी जाके बस कोई भी आपको जैसे न्यूज़ ही हो ना, बस थ्री डॉट पर क्लिक करके आप लोग देख लीजिएगा, बस कुछ न्यूज़ में एकदम फ्री, आपको ऐड वगैरह नहीं देखने को बोलिए, ऐड दिखेगा नहीं, हम जैसे कि एक साइड से टीम क्रिएट करेंगे, एक टाइम से इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो ऐड दिखेगा, मैं इसीलिए ऐड नहीं लगाया हूँ वेबसाइट पे, कोई भी ऐड नहीं है, सालों से फ्री है वेबसाइट। एंड बात करते हैं पर उसके अलावा ये मैच भी जबरदस्त है ये मैच, लेकिन मैं फिलहाल मजे के लिए वाला मैच कवर करूँ क्योंकि बहुत बड़ा मैच है, बहुत बड़ा मैच है। लेकिन देखो इतना बड़ा मैच अगर मैं कवर कर रहा हूँ तो आप लाइक करने में कंजूसी मत करना, वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना जिससे ना डाउनफॉल खत्म हो जाएगा चैनल का, तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिए जिससे ना डाउनफॉल खत्म हो जाएगा, बहुत ज़्यादा चैनल डाउनफॉल चल रहा है, लेकिन अगर आप लोग सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देते हो तो डाउनफॉल खत्म हो जाएगा। इतना एफर्ट्स आप डाल रहा हूँ, रात के 3 बजे से पहले आप फाइनल टीम आपको मुझे देना है, तो अगर आपके लिए इतना एफर्ट्स डाल रहा हूँ, आपसे कभी भी 1 रुपये चार्ज नहीं किया, सालों से फ्री में टीम दे रहा हूँ, सालों से वेबसाइट पे आपको फ्री में सब कुछ दे रहा हूँ, तो आप उस हिसाब से तो एक लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा, चाहे सब्सक्राइब करने कंजूसी मत करना, वो एकदम ये फ्री है और आप ही का फायदा हुआ इसे, तो सब्सक्राइब भी उसे कर लेना, डाउनफॉल खत्म हो जाएगा भाई, बहुत बड़ी बात है ये और बहुत अच्छी बात है। अगर डाउनफॉल खत्म हो जाएगा तो आपको पता है कि मैं किस लेवल का प्रेडिक्शन करता हूँ और किस लेवल के मैचेस कवर करता हूँ। तो कैम फ्लेचर एक अच्छा ऑप्शन है, ऑब्वियस बात है कैम फ्लेचर के साथ ही जाएंगे, मैक्स चू भी अच्छा है, इसमें मैक्स चू खराब है, मैक्स चू जबरदस्त प्लेयर है जो अपने पची टीम गया था, बट कैम फ्लेचर के साथ जाते हैं, हालांकि मैं तो मैक्स चू परफेक्ट कर सकता हूँ ग्रैली यूनिवर्स के लिए, तो धोनी अच्छे हैं टीम दस से, धोनी मिडिल ऑर्डर के हैं बट कैम फ्लेचर थोड़ा सा ज़्यादा टैलेंटेड है। उसके अलावा रोबर्टो डोरेन पिच पहली बात तो बैटिंग फ्रेंडली है, फोर ना बैटिंग करेगा, अगर स्टार्टिंग में विकेट्स बिगड़ेगा तो काफ़ी सेफर ऑप्शन है, और रोबर्टो डोरेन वैसे भी इन फॉर्म प्ले टीम से। मार्क चैपमैन अभी देखो मेरे साइड से तो पिक कर लेना चाहिए, मार्क चैपमैन को वरना बैटिंग करेगा पिच बैटिंग फ्रेंडली है, डेफिनेटली मेरी टीम में ट्राई कर सकते हो, तो मैं मार्क चैपमैन को एज अ ट्रम्प कार्ड रिस्क की अपनी टीम में पिक कर रहा हूँ। मैं स्मॉल लीग प्रीव्यू दे रहा हूँ बट ग्रैली की प्रोडक्शन में आपको साथ ही साथ शेयर कर रहा हूँ, ग्रैली टीम मार्टिन मार्क चैपमैन को कैप्टन करना और मार्टिन गुप्टिल को, मार्टिन गुप्टिल को भी मैं पिक करना चाहूँगा क्योंकि पिच बैटिंग फ्रेंडली, अगर फर्स्ट पावर प्ले का गलती से अगर विकेट्स नहीं गिरा तो पक्का ही बंदा मतलब कि सेंचुरी तक मार कर जा सकता है, इसलिए कवर कर चलते हैं। फिर नानी अगर वही फर्स्ट पावर प्ले का इसका विकेट नहीं गिरा, अगर फर्स्ट पावर प्ले में अगर बंदा दोनों टिक गए ना तो दोनों ही सेंचुरी मार के जा सकते हैं, किसी एक ही सेंचुरी कन्फर्म हो जाएगी। गुप्टिल शांत रहा तो फिनालिन किया, अगर फिनालिन थोड़ा शांत, हालांकि फिनालिन शांत नहीं रहता बंदा, साइंस अफरीदी को मार लिया तो सोचो अच्छा रहेगा टीम से, फिनालिन में कवर करना परफेक्ट करूंगा, तो चार बैटर पिक करो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैंने अभी तक चारों ही मतलब कि इन्हीं के पिक के प्लेयर्स, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको एक सिंपल सा टिप्स दे रहा हूँ, जो टीम पहले बैटिंग करे ना आप उसका विकेट कीपर ले लेना, हालांकि मार्टिन गुप्टिल को तभी कवर करना जब टीम पहले बैटिंग करे, मैं पहले बोल रहा हूँ ये छोटे छोटे जो टिप्स है, अगर ऑकलैंड अगर पहले बैटिंग है तो ही मार्टिन गुप्टिल को पिक करना, ये छोटे छोटे टिप्स याद रखो। मार्क चैपमैन तो चलो इसे ठीक है पिक कर लूँगी, लेकिन इसको तभी पिक करें जब टीम पहले बैटिंग करे। नीचे डेल फिलिप्स वगैरह है, विलियम डोनेल वगैरह अवेलेबल है, सब है अवेलेबल, लेकिन साइड रखते हैं, जैकब कमिंग भी अवेलेबल बट सबको साइड रखते हैं स्मॉल टीम में। इसके अलावा जिमी निसम खेलेंगे तो ट्राई करेंगे, अभी नहीं खेल रहे, साइड रखते लेन से नाम नहीं है। ल्यूक जोरसन इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, सीन सोलिया अगर खेलेंगे तो पिक करके चलेंगे, ऑब्वियस बात है बंदा तगड़ा है। डेन फॉक्स को अवेलेबल है, उसके अलावा जोको मैकेंजी, देखो एक अच्छा प्लेटिव से मना नहीं करूंगा, बंदा डेथ में बॉलिंग कर रहा है, हालांकि वनडे में जैसे डेथ वन ही ज्यादा बट बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है जोको मैकेंजी, टीम दस से 10 ओवर बॉलिंग करता है, जोक मैकेंजी को कवर करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप जोक मैकेंजी को कवर कर सकते हो। मैं कवर करना अपनी टीम में चाहूँगा, अपने पर्सनल रिस्क ले रहा हूँ ये, हालांकि बंदा बैटिंग नहीं बॉलिंग अच्छा करता है। अभी दो ही पिक करते हैं, थर्ड का पिक करना डेफिनेटली ग्रैनी रिवर्स के लिए प्रेफर करूँगा, पक्का बोलो मैकेंजी टीम से ट्रम्प कार्ड होगा, फाइन टीम में रिस्क लूंगा मैं। उसके अलावा ल्यूक जोरसन इंपॉर्टेंट है, जोकब डफी इंपॉर्टेंट है, डी फाइनेंस इंपॉर्टेंट टीम दस से, नीचे
पहली स्टार तगड़ा प्लेयर हो सकता है टीम से, वो से स्टार्ट करता है, मैं कवर करना परफेक्ट करूंगा। नीचे देखो मैथ्यू बेकोन में पिक करना चाहूंगा, लुइस डेलपोर्ट देखो हर एक अच्छा प्लेयर है बट हम 11 ही प्लेयर्स पिक कर सकते हैं, इसीलिए मैं परफेक्ट करूंगा बेलनिस्टर के साथ जाओ, नहीं तो अपने टीम में देखो जोको मैकेंजी टीम से अच्छा प्लेयर टीम से, मना नहीं है मैकेंजी अच्छा प्लेयर टीम से, बट मैं बेलनिस्टर से जाऊँगा जो निवो से स्टार्ट करके फर्स्ट पावर प्ले में। मैथ्यू बेकोन भी अच्छा है कि ओपिस वादे सब अच्छे, ल्यूक जोरजेसन है जो मैं कैप्टन जा रहा हूँ, ओपिस वादे सबसे बेस्ट ऑप्शन स्मॉल टीम में क्योंकि बंदा ओपनिंग भी करेगा प्लस 10 ओवर बॉलिंग भी करेगा, सच ऑप्शन मिलेगा ही क्या एज ए कैप्टन जा रहा हूँ। वाइस कैप्टन पिच बैटिंग फ्रेंडली तो मार्क चैपमैन, फिन एलन, रॉबर्टो डोनेल, अगर टीम पहले बैटिंग है तो मार्टिन गुप्टिल भी अच्छे ऑप्शन है, अगर आप चाहो तो ल्यूक जोरजेसन को भी ट्राई कर सकते हो, ल्यूक जोरजेसन को कैप्टन ट्राई करें ना, वाइस कैप्टन लोकी फर्गुसन के साथ भी जा सकते हो, एक तगड़ा ऑप्शन हो सकता है ये, लेकिन क्या है कि पिच बैटिंग फ्रेंडली है, लोग जो सर और लोग फर्गुसन उतने फॉर्म में चल नहीं रहे लोकी फर्गुसन, इसलिए अपना टाइम मैं अपना वो सब नहीं करना चाहूँगा, मैं अपना वाइस कैप्टन रॉबर्टो डोनेल के साथ जाना चाहूँगा क्योंकि पहले तो सिलेक्शन भी ज़्यादा और सेफर ऑप्शन है, बंदा इनफॉर्म प्लेयर है इसलिए जा, इसलिए सिलेक्शन देखे चल गया, ऐसा बात नहीं है बंदा इनफॉर्म है। इस टीम से कॉन्टेस्ट बुक कर दूँ, हालांकि इससे पहले मैंने जो टीम बनाया था उसमें मैंने जोकोब को ऊपर इसके लिया था, जो जोकोब मैकेंजी नहीं है उसको ऊपर इस टीम में बैलेंसर के साथ लिया हूँ, इस टीम का फाइनल मान के चलिए अभी के लिए डेमो के लिए इस टीम से कॉन्टेस्ट बुक कर दो। ग्रैली खेलो तो मार्क चैपमैन को जरूर से कैप्टन कर लीजिएगा, फिनेलिन को जरूर से कैप्टन कर लीजिएगा, और लोके फर्गुसन को और साथ ही साथ डेन फॉक्स क्रॉप को, इन सबको ट्राई कीजिए सीबीसी, एक जबरदस्त ऑप्शन है टीम से, इन सबको ट्राई करना, बाकी पॉइंट टीम आपको टीलियाँ पर जरूर से दे दूंगा, और अगर मैच की इन्फॉर्मेशन आपको फ्री में चाहिए तो वेबसाइट से जो हमारी वेबसाइट है एकदम फ्री है, आप वहाँ पर भी जाकर फ़ायदा उठा सकते हो, यूट्यूब भी आपको फ्री में मिल रहा है और वेबसाइट भी फ्री में मिल रहा है, तो जाके फायदा उठाना है, fantasy11team.in पे जाना, जाके आपको सब कुछ मिल जाएगा, बाकी टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिएगा, फाइनल टीम आपको यहीं पे पोस्ट कर दूंगा, 37,000 से ज़्यादा लोग ज्वाइन कर रखे हैं, कमेंट बॉक्स लिंक पे उस पर क्लिक कर ज्वाइन कर लेना, बाकी वीडियो जो से लाइक कर देना और शेयर जो से कर देना अपने यार दोस्तों के साथ, और यार डाउनफॉल खत्म करना है तो सब्सक्राइब जो से कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर सेट कर देना।